हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज हम जा रहे हैं एक अमेजिंग प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने, जो कि है एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन गन। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन गन की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके बॉक्स से कि इसके बॉक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि इसके बॉक्स पे ये गन का डिजाइन है, जो ये बाहर से यहाँ से दिखाई देती है, ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है। एंड इसके अंदर हमारे को मिलती है सॉफ्ट बुलेट्स, एंड इसके अंदर एक हमारे को पैकेट मिलता है जो कि है कलरफुल जेली बॉल्स का, जो कि हम पानी में डालेंगे वो बड़ी हो जाएंगी और फिर उसके बाद वो हम कहीं पे भी किसी को शूट कर सकते हैं और वो हार्मलेस होती हैं। तो इसके बॉक्स पे और हम जरा देखें तो इसमें है ड्यूल ट्रांसफॉर्मर फंक्शन, ट्रांसमीटर फंक्शन, ड्यूल ट्रांसमीटर फंक्शन पता नहीं, समझ में नहीं आता। मोड वन में इसके अंदर जो हम मोड वन है उसके अंदर हम जेली बॉल्स थ्रो कर सकते हैं, मोड टू के अंदर हम एक इसमें स्पॉन्ज सर्कुलर दिखाया हुआ वो शूट कर सकते हैं, एंड थर्ड के अंदर हम स्पॉन्ज वाली वो बुलेट ही शूट कर सकते हैं जो कि ये वैक्यूम वाली होती हैं। तो बिना किसी देरी के हम एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे लग रही है टेप, इसको हटाते हैं हम नाखून से, ये हमने हटा दिए हैं नाखून से और इसको खोल लेते हैं यहाँ से। तो इसके अंदर हमारे को मिलती है एक प्लास्टिक शीट के अंदर पैकिंग है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों हमारे को ये जो मिलता है इसके अंदर ये मिलती हैं हमारे को 1 2 3 4 बुलेट्स जो कि सॉफ्ट वाली हैं और आगे वैक्यूम वाला ये लगाया हुआ है, ये मैं बाहर निकाल के लगा देता हूँ। तो ये रही 4 बुलेट्स एंड ये मिलती है हमारे को एक गन जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसका फंक्शन ऐसे होता है यूं करके, आओ मज़ेदार। और ये हमारे को मिलती हैं फ्रेंड्स वाटर एब्जॉर्बिंग बुलेट्स, ये भी मिलती हैं। एंड ये क्या है, ये फूली ही बुलेट्स हैं फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपको रेडी टू यूज़ करना है तो ये फूली ही बुलेट्स हैं। तो इसको आप पैकेट खोलो, डालो और यूज़ करो, मारना शुरू, और ये आप और फुला सकते हो और डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गन कैसे काम करती है। तो इस गन के अंदर अगर फ्रेंड्स मैं आपको बात बताऊं तो इसके अंदर कोई भी लाइट का फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल एक गन है जिसके अंदर सिर्फ आपको ऐसे करके ये लोड हो जाती है और ये ट्रिगर दबा के ये चल जाती है, कोई भी और मूविंग पार्ट इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे इसमें पीछे लाइट भी नहीं है, हम देख भी नहीं सकते, तो ये सिर्फ डेकोरेटिव है और इसके अंदर सिर्फ ये वाला मैकेनिज्म है, यहाँ से हमारे को पीछे करना पड़ेगा और ऐसे शूट करना पड़ेगा। और जो बुलेट्स हैं फ्रेंड्स वो शायद हमारे को यहाँ से डालनी होती हैं बुलेट्स, नहीं यहाँ से नहीं डालनी होती, एक सेकंड रुकिए फ्रेंड्स, इसके लिए कहते हैं मैनुअल पढ़ना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारे को कोई ऊपर से बुलेट्स इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, अगर कोई भी हमारे को बुलेट डालनी है तो हमें इसके आगे डालनी पड़ेगी, फिर यूं करके और ऐसे करके शूट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये मैंने बुलेट को लगाया यहाँ पे, इसको करा मैंने लोड और अब मैं करता हूँ इसको शूट, देखा फ्रेंड्स आपने। तो ये है इसकी जो मज़ेदार टेक्निक है। तो अब जैसे कि आप देखिए, मैं आपको ऊपर भी शूट करके दिखाता हूँ, ये ऊपर चुपकी नहीं क्योंकि हमारे फॉल सीलिंग है, वैसी सब वो प्लेन वाली नहीं है, शीट वाली। तो मैं दोबारा एक बार शूट करके दिखाता हूँ कैमरे के पास, अब ये थर्ड वाले भी शूट करके दिखाई देता हूँ फ्रेंड्स आपको। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है वैसे, अगर आपका कहीं शूटिंग अगर आप करते हो, जैसे घरों के अंदर अलमीरा होती है, मेटल वाली अलमीरा होती है जहाँ पे पेंट हुआ होता है, जैसे आप समझ रहे हो ना वाटरप्रूफ वाला पेंट, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें ना बहुत आसानी से चिपक जाती हैं। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है यूँ करके अपनी अलमारी पे मारने के लिए, अलमारी पे, क्योंकि बचपन में जब मेरे पास ये सबसे पहली गन आई थी तब मैं यही करता था। तो अब मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, ओ ये फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना आपसे, इसके अंदर एक और फंक्शन है फ्रेंड्स, मैंने अभी देखा इसके अंदर यहाँ पे सेल भी लगते हैं, लगा के देखें तभी मैं सोचूं कि इतनी महंगी गन तो है लेकिन इसमें फंक्शन कुछ नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैं अगर इसका हैंडल यहाँ पे नहीं देखता तो मेरे को पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या है कि जब भी हम इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर ये वाला साउंड आएगा, अगर आप साउंड नहीं भी चाहते हो इसको निकाल सकते हो, तो नॉर्मल वैसे ही फंक्शन करती है ये। एंड सेकंड चीज़ की बात करें फ्रेंड्स, इसके अंदर डलती हैं ये वाटर वाली बुलेट्स, तो अगर हम वाटर वाली बुलेट्स को ओपन करें
तो मैं ओपन कर लेता हूँ वाटर वाले बुलेट्स को और दो बुलेट्स डाल के भी देखता हूँ कि कैसे चलती है। तो ये रही वाटर बुलेट्स, सबसे पहले एक वाटर बुलेट डाल के देखता हूँ मैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाटर बुलेट लेनी है, इसके अंदर आपने डाल दिए, इसको लोड करना है और इसको मारना है। मैं कैमरे के पास से मारता हूँ जिससे आपको 3D इफेक्ट आए। अरे ये तो गायब ही हो गई, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। अब मैं करके देखता हूँ फ्रेंड्स, निकली। ओ अब निकली थी ना दोस्तों। अभी मैं इसको सेल हटा देता हूँ क्योंकि अभी जो मैं बोलूँगा वो आप सुन नहीं पाओगे बार बार प्रेस करने पे। तो अभी जैसे कि मैंने आपने देखा कि मैंने उसको जेली बॉल डाल के इसको शूट करा तो इसके अंदर वो एकदम से चली गई। तो अगर आप भी ऐसा अपने घर में सिबलिंग्स के साथ फन करना चाहते हो तो आप वो जेली बॉल रख के उनकी तरफ शूट कर सकते हो, वो सिर्फ एक ठंडा ठंडा एहसास देगी और अगर वो स्किन से लगेगी तो वहीं पर वो टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी ज़्यादा किसी को हार्म करेगी, लेकिन आप प्रिकॉशन के लिए किसी की आँख या किसी के मुँह पर मत मारिएगा। तो हमने इसको लोड करा हुआ है जैसा कि आप जानते हो, मैं ये एक और इसमें बॉल डाल रहा हूँ, ये मैंने बॉल डाल दी है, ये लोडेड ही है। अब मैं इसको शूट करता हूँ, आपके कैमरे के सामने से जाएगी, देखिएगा। नहीं गई ना, अब जाएगी। देखा फ्रेंड्स आपने, तो ये जो जेली बॉल है ये बहुत सॉफ्ट बॉल है, ये जाते ही टूट जाती है। ये आपको नॉर्मली नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि यही बॉल्स हैं इनको आपको संभाल के रखना है। बच्चे जैसे कि होते हैं ना पॉजिटिव अपनी चीज़ों के लिए कि नहीं ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल मार्केट में भी मिल सकती है। अगर फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूं तो ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज पर प्राइस रेंज इसकी क्वालिटी उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर जो प्लास्टिक की फिनिशिंग है ये ऐसा नहीं है कि कहीं से थोड़ी डिफॉर्म हो रही हो या कुछ हो रही हो, एकदम जैसे डाई का पीस होता है ये एकदम वैसे ही निकली हुई है, कहीं पर भी कोई रफ फिनिश नहीं है इसकी अगर मैं बात करूँ। एंड इसकी अगर सॉफ्ट बुलेट की बात करूँ जैसे कि ये वाली बुलेट है, तो अगर इससे अगर आप खेलते हो तो वाकई में इसकी बहुत अच्छी रेंज है, अच्छी तरीके से ये शूट करती है और मींस आपका थ्रस्ट भी इसमें जो पैदा होता है वो आपके हाथ में महसूस होता है कि हाँ कुछ कोई बुलेट निकली है इसमें से, तो इतनी पावरफुल ये है। तो इसको आप 10 फीट मैक्सिमम 12 या 15 फीट के बीच में आप ऑब्जेक्ट को टारगेट करके इसको मार सकते हो, इससे मींस टारगेट करके आप उस पर जाके चिपक जाए, तो ऐसे आप कर सकते हो। बल्कि अगर जेली बॉल अगर आप मारोगे तो उसका उतना नहीं रहता, वो 6 से 7 फीट या 8 फीट मुश्किल से वहाँ तक ट्रैवल करती है और वो गिर जाती है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ओवरऑल फ्रेंड ये बहुत ऑसम प्रोडक्ट है आपके बच्चों के लिए, अगर उनको शौक है शूटिंग के लिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं एंड इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग देखने के लिए आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।